السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أبصب كيسيو ठीक ठाक. ये रेलवे में एक ऐसा सीरीज है, वेब सीरीज जहाँ पर आप एक सच्चाई देखेंगे और आपको ऐसा लगता है कि ये एक सीरीज नहीं, ये एक फिल्म है जो कि 3 घंटे से भी ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा, एक पूरी फुल फिल्म आप देख रहे हैं. यशराज ने ये सीरीज़ बनाई है, ये ज़िम्मा लिया है कि ये हकीकत आप सबके सामने दिखाए, जहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि ये लोगों के साथ क्या हुआ था उस टाइम में 82 में. और जब ये घटना घटी वहाँ पर, कुछ लोग का जो यानी योगदान था लोगों को बचाने के लिए, उन लोग का क्या काम था और क्या कर रहे थे उस टाइम में, ये दिखाया गया है. इसमें आप देखेंगे एक रेलवे मास्टर जो कि के मेनू ने वो रोल निभाया है, बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे अंदाजे से ये रोल निभाया उन्होंने. वो तो बहुत ही हरफन मौला है इन रोल इन कैरेक्टर्स में, और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स निभाते हैं अपने फिल्मों में, अपने सीरीज़ में, और इसमें इनका रोल बहुत ही खूबसूरत था. और ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये इंसान कितना उतावला था कि लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हुई थी कि लोगों को बचाना उनके दम में था, उनका काम यही था. बहरहाल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म के अंदर आप देखते हो, आपको लगता है ये कैरेक्टर्स वो फिल्म के अंदर पेंट किए गए हैं. जैसे कि जो कैरेक्टर है जो चोर आता है वहाँ पर, वो कैरेक्टर मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए इस वेब सीरीज़ को और स्टोरी बनाने के लिए, अगर आपने ये कैरेक्टर डाल दिया इस फिल्म के इस सीरीज़ के अंदर, तो उसका डेवलपमेंट मैंने देखा नहीं. जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि आर माधवन का, वो भी एक अहम रोल निभाते हैं इस वेब सीरीज़ में, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं था, उनका कुछ बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं दिखाया गया, ताकि ये वेब सीरीज़ और ज़्यादा लंबी हो जाए. ऐसा होता तो और अच्छा दिखता था. लेकिन सिर्फ के मेनन का जो रोल है उन पे ज़्यादा फोकस किया गया और अच्छा तरीके से दिखाया गया. और दूसरा रोल भी था जो इरफान खान के बेटे हैं, उनका भी रोल ठीक ठाक था फिल्म के अंदर, उतना ज़्यादा भी नहीं था जैसे कि के मेनन का. बहरहाल ये वेब सीरीज़ एक नोबल काम है, और इसमें आप अच्छी स्टोरी टेलिंग देखेंगे और अच्छे मूवमेंट्स भी देखेंगे, और इसमें एक सच्चाई को देखेंगे जो अच्छी तरीके से निभाया गया और अच्छी तरह से बनाया गया. और मेरी तरफ से मैं इस वेब सीरीज़ को देता हूँ 3.5 out of 5 stars. बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स में है अभी दस्तयाब, आप देख सकते हो और मुझे बता सकते हो आपको कैसी लगी ये वेब सीरीज़.